नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। देखिए, चुनावी माहौल लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त सूरत में हम मौजूद हैं, डायमंड सिटी जिसको कहते हैं। तो लेट नाइट का टाइम है, लोग यहां पर कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि चुनावी माहौल जो है वो किस तरफ है। भाई साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं, नाम बताइए क्या है। मेरा नाम पार्थ मादानी है। पार्थ जी, तो क्या लग रहा है चुनावी माहौल जो है, सूरतवासी के दिलों में कौन बसा हुआ है? देखो भाई साहब, चुनाव के माहौल में कि बिना चुनाव के माहौल में, सूरतवासी के एज ए यूथ हमारे दिल के अंदर सिर्फ भाजपा और सिर्फ मोदी जी ही बसे हुए हैं। हाँ। देखो भाई साहब, हमने अभी सुना है कि कोई केजरीवाल जी दिल्ली से आ रहे हैं और यहाँ की राजनीति करना चाहते हैं। हाँ। अरे क्या साहब, भाई साहब यहाँ की राजनीति करेंगे? ये पूरा गुजरात, हाँ। सूरत आप सबको पता ही होगा, जनता जनार्दन को भी पता है कि विश्व के अंदर जो चौथा फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है वो हमारा सूरत है। हाँ। हमारा क्या विकास करेंगे? अरे हमारे सूरत के विकास के तर्ज पे केजरीवाल को वहाँ दिल्ली में राजनीति करनी चाहिए और वहाँ विकास करना चाहिए। देखो, रोड रस्ते की बाबतें हैं, यहाँ सबसे बढ़िया यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये आरोग्य की, मैंने सुना है आरोग्य की बातें करते हैं केजरीवाल जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई साहब अमृत वात्सल्य कार्ड है जिसके अंदर एक फैमिली को 5 लाख का फायदा, अगर कोई बीमारी होती है, कोई दिक्कत आ जाती है तो गवर्नमेंट करवाती है। ऐसी कार्ड की शुरुआत गुजरात से हुई थी, तो कौन सा वो आरोग्य का मॉडल वो बताएंगे? मुझे तो सुना है, ऐसा सुनाई में आया है कि दिल्ली के अंदर वात्सल्य कार्ड चलता ही नहीं है। अरे भाई साहब, यहाँ का जो कार्ड है जो पूरे भारत में चला है, मोदी जी ने चलाया है आरोग्य के लिए, वो अपने दिल्ली में चलवाइए। यहाँ की राजनीति की चिंता आप मत कीजिए, यहाँ पूरा भाजपा का गढ़ है। हाँ। पूरा यूथ, हाँ। पूरा युवा सब भाजपा से जुड़ा हुआ है, मोदी में है, पूरा भगवा ही भगवा है, भगवा ही भगवा है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल हम लागू करेंगे गुजरात में, तो गुजरात मॉडल बेस्ट लगता है आपको, दिल्ली मॉडल बेस्ट लगता है? भाई साहब, जिस जगह पे आप खड़े हो वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे मेट्रो का काम चल रहा है। हाँ। जिस जगह आप खड़े हो उससे 200 मीटर की दूरी पे BRTS का रूट बना हुआ है। इससे आगे जाओगे तो RCC का रोड है। हाँ। सूरत का सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का है। हाँ। वो जो गंदा पानी आता है उसको कैसे साफ किया जाए, फिर से यूज किया जाए, ये सब पूरा भारत के अंदर सबसे बढ़िया मॉडल यहाँ सूरत में बना रखा है। तो कौन सा भाई साहब झुग्गी झुपटियों में जो गड़ा है आदमी, वो कहां ये डायमंड सिटी की बात करेंगे साहब? ऐसा हो ही नहीं सकता है, पूरा सूरत पूरा गुजरात मोदी के साथ खड़ा है। लेकिन कहते हैं दिल्ली मॉडल सबसे अच्छा है हिंदुस्तान में। भाई घर की बात तो घर ही वही बता रहे हैं कि अच्छा है, अच्छा अच्छा, तो हमें बताएं, हमें बताएं। दिल्ली की बात हमने सुनी है, हमारे दोस्तों, हम भी दिल्ली गए हैं, हमने देखा है दिल्ली, वो जो गंदी की है, वो सब जुगे झुपड़िए, छोटे छोटे रास्ते हैं, पूरा ट्रैफिक जाम है। अरे अच्छा हिस्सा जो सांसद का है, संसद भवन वाला हिस्सा है, वो तो सब जगह अच्छा ही होता है, तो हमारी जगह भी यहाँ पे जो बना रखा है वो तो अच्छा ही है। पर जो संसद वाला जो इलाका है ना, वैसा पूरा दिल्ली का इलाका जैसा है, वैसा इलाका पूरे सूरत में है, पूरे गुजरात में है। तो भाई साहब हमारा मॉडल हमको बोलिए, हम सब यहाँ से आएंगे और यहाँ का मॉडल हम दिल्ली में बताएंगे और दिल्ली में इम्प्लांट कराएंगे और दिल्ली को सूरत के जैसा बनाएंगे, सूरत के जैसा बनाएंगे। अच्छा, जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि गुजरात वासी बहुत प्यार दे रहे हैं इस बार हमें, और भर भर के प्यार दे रहे हैं। मतलब भाई साहब, मध्य प्रदेश से बसे लाएंगे, दिल्ली से एजेंसियां लाएंगे, पूरा अपना सभा सेटअप करेंगे, पूरा ड्रामा बनाएंगे, पूरा पिक्चर का डायरेक्शन लिखेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे और अपनी खुद की वाहवाही कर लेंगे। एक बार आप आम जनता से आइए, आज आप आए हो हमारे पास, हम यहाँ के लोकल है, यहाँ की जनता है, तो हमको पता है क्या है, हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जो दिखाना चाहते हैं वही पूरा भारत देखेगा, पूरा भारत गुजरात का परिणाम जैसे चुनाव में आएगा उसके हिसाब से देखेगा कि गुजरात क्या है, मोदी क्या है, सूरत क्या है और विकास क्या है। अच्छा, विकास, सूरतवासी विकास पर वोट दे रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री देंगे, फ्री के चक्कर में नहीं आएंगे क्या सूरतवासी? अरे भाई साहब, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं कमाऊंगा, स्किल्ड हूँ। मोदी साहब ने हमारे स्किल इंडिया के लिए, युवाओं के लिए ITI से लेकर सब जगह व्यवस्था कर रखी है। हम स्वमानी लोग हैं। हाँ। हम सरदार के वंशज हैं। हाँ। हम सम्मान से लेते हैं, इज्जत का खाते हैं और मेहनत का खाते हैं। हाँ। मुफ्त में नहीं आते भाई साहब, छोड़ दीजिए, मुफ्त में हमारा काम ही नहीं है। हाँ। मुफ्तबाजी हमारा काम नहीं है, हमारा सम्मान का काम है, मेहनत का काम है। हमारे गुजरात के पास दिमाग है, हम बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे, धंधा करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे और पूरे विश्व में हमारा नाम करेंगे, पूरे विश्व में नाम करेंगे। चलिए ठीक है भाई साहब, नाम क्या है आपका? कौशिक। कौशिक साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ गुजरात का ही हूँ। गुजरात के ही हैं। क्या लग रहा है चुनावी माहौल?
ये जो फ्री वाला जो चक्कर है ना वो चलने वाला है नहीं। हाँ। ये है ना वो फॉरेन का सिस्टम यहाँ लाना चाहता है केजरीवाल। हाँ। ऐसा बोल रहा है कि फॉरेन में सब मुफ्त मिल रहा है तो यहाँ मिलना चाहिए। हाँ। फॉरेन में सब लोग टैक्स भरते हैं। हाँ। यहाँ 3% लोग टैक्स भरते हैं इंडिया में। हाँ। तो घाटा करेगा कौन भरेगा? हाँ। मुफ्त में पैसा लाएगा कहाँ से उसको, उतना तो पूछो। कहते हैं कि जनता का ही पैसा, हम जनता से लेते हैं, जनता को फ्री दे देते हैं। भरनी चाहिए ना टैक्स, 3% लोग इंडिया में टैक्स भरते हैं, वो पूरे सब पूरी दुनिया को मुफ्त देना चाहता है, कैसे पॉसिबल ही नहीं है वो। हाँ। तो मुफ्त का क्यों नहीं चाहिए आखिर आपको, ये बताइए। हम मेहनत का ही खाएंगे ना, सीधी सी बात है, आप कुछ चीज खरीदने जाओ पेट्रोल भरवाने, मुफ्त में डाल देगा। हाँ। तो अनाउंस क्यों नहीं करता कि पेट्रोल मुफ्त में भरवा दे तो हम उसको वोट दे देंगे, ये झूठी बात करते हैं एकदम। बिजली चंडीगढ़ में आधा दिन तो होती नहीं है, मेरे काफी दोस्त है वहाँ पे, फोन करता हूँ भाई मेल डाला है रिप्लाई करो, तो बोला बिजली नहीं है, बिजली आएगी तब रिप्लाई करूंगा। हाँ। ऐसा माहौल है वहाँ पे। हाँ। अच्छा कहते हैं 24 घंटे बिजली देंगे, क्या आप बताइए यहाँ के रहने वाले बिजली कैसी आती है? बिजली उसके स्टेट में नहीं आती, यहाँ तो सालों से आती है ज्योतिग्राम योजना। हाँ। यहाँ 25 साल से ज्योतिग्राम चल रही है। हाँ। उसको ज्योतिग्राम मालूम भी नहीं होगा। हाँ। वो बोलता है मैं गुजरात में वो करूंगा। हाँ। मुफ्त के चक्कर में गुजराती लोग नहीं पढ़ते भाई। हाँ। तो ये जो योजना है ज्योतिग्राम योजना, इसके तहत बिजली अच्छी हुई है, 24 घंटे देते हुई है, सड़क योजना है, काफी योजना है यहाँ पे। ये बोलते 15 लाख रुपया, 5 लाख रुपये का वात्सल्य कार्ड दिया है, 2 लाख रुपये का एक्सीडेंट बीमा दिया है। आप टोटल मिला के 12 योजना है, उसका टोटल लगाओगे तो 17 लाख रुपया होता है। 15 लाख उसको नकद चाहिए, नकद थोड़ी देगा कोई उसको, सीधी सी बात है। ठीक है चलिए अंकल जी, नाम क्या है, नाम बताइए आपका, क्या क्या बोलिए, नाम बताइए, नाम क्या है, सु नाम से तुम्हारू? मेरा नाम चंदू भाई। चंदू भाई हिंदी में बोलिए, मैं बोलूंगा। तो कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ सूरत के। सूरत के रहने वाले हैं, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी लग रहा है, आम आदमी पार्टी आई है इस बार? बीजेपी का, भाजपा का। हाँ, क्यों भाजपा क्यों भारी लग रहा है? भाजपा ने काम किया है। ये देखो ये सब पूरा काम किया है। केजरीवाल जी आकर कहते हैं कि काम नहीं करती है बीजेपी पार्टी। नटवरलाल गप्पा मारता है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो नटवरलाल है। हाँ देखो पंजाब में खून होता है डेली। हाँ। फटाफट खून करके चले जाते हैं। हाँ। आप पेपर पढ़ते होंगे। हाँ, जी। मीडिया देखते होंगे। हाँ। वहाँ पंजाब में क्या हालत है। हाँ। दिल्ली में क्या हालत है। हाँ। और ये यहाँ समृद्ध गुजरात को तोड़ना चाहता है। समृद्ध गुजरात को तोड़ना चाहते हैं, ये खालिस्तानी है। हाँ। कौन केजरीवाल जी? खालिस्तानी है। हाँ, खालिस्तानी है। हाँ। तो मतलब दम नहीं दिखाई दे रहा क्या आपके हिसाब से? दम नहीं निकलेगा, आप देखो पूरे गुजरात में 5 सीट नहीं आएगी। हाँ। 5 सीटें भी नहीं आएगी। 5 सीट नहीं आएगी, लेकिन कहते हैं कि सारी सीटें हमारी हैं बीजेपी का, तो सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। मत लेना बहुत मुश्किल काम है। हाँ। वैसे मत नहीं मिलता है। हाँ। उनकी सभा में लोग जाएंगे, देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मत बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। हाँ। दिल्ली मॉडल लागू करने की बात कर रहे हैं गुजरात में। गप्पा मारता है, कुछ सही नहीं बोलता है। नटवरलाल है। बिल्कुल नटवरलाल है। हाँ। अच्छा फ्री के जो बात कर रहे हैं कि गुजरात वास हवाले के जरिए कितना पैसा भेजा इसने। हाँ। तो वो भ्रष्टाचार अभी से चालू कर दिया है। अभी तो सर वो आई भी नहीं है सत्ता में। अरे भ्रष्टाचार कितना चालू है, कितना रुपया वो आंगड़िया से मंगाया, कितना पैसा आया? तो कहाँ से पैसा मंगाया? वो दिल्ली से, वो दारू वाले पैसे इधर आया। दारू वाला पैसा यहाँ गया। वो कैसे वो दारू का दाम बढ़ा दिया, कमीशन ले लिया, खा लिया, सीसो दिया, इलेक्शन पूरा होने जाए तो दोनों जेल में जाएंगे। अच्छा अगर गुजरात में भी वो दारू फ्री करते हैं तो चलेगा क्या? क्या दारू नहीं चाहिए गुजरात में? भिखारी नहीं है गुजरात की पब्लिक, आप देख लेना। नहीं बिल्कुल नहीं है, मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए यहाँ, सब फ्री में कहीं पहले से भाजपा सरकार दे रही है। स्कूल में पढ़ाई करते हैं वो सरकारी स्कूल में, कहाँ फी लेते हैं? फ्री में तो है सब। कहते हैं शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खराब है गुजरात की। तो गप्पा मारता है नटवरलाल गप्पा। अच्छा भिखारी की बात सर आपने इसलिए तो नहीं की, पुष्पेंद्र सिंह कुलश्रेष्ठ जो है वो कहते हैं कि गुजरात वासी अगर भिकमंगे हैं, भिखारियां हैं, तो केजरीवाल को वोट देंगे, उनसे इंस्पायर तो नहीं हुए हैं आप? नहीं। हाँ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, नाम क्या भाई साहब? हिम्मत कानाणी। कहाँ से हैं आप? सूरत से ही हूँ। सूरत से, क्या लग रहा है किसकी पार्टी में दम दिखाई दे रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी एक झूठ की राजनीति करती है। हाँ। उसका काम है मीडिया और सोशल मीडिया को मैनेज करके। हाँ। और पब्लिक को गुमराह करना है। हाँ। अभी मैं सुन रहा था आप लोगों को क्वेश्चन कर रहे थे कि दिल्ली मॉडल, आप मुझे बताइए कि दिल्ली मॉडल में क्या है? हाँ। दिल्ली मॉडल में ना तो शिक्षा है। हाँ। ना तो स्वास्थ्य है, ना तो डेवलपमेंट है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप हमने काफ़ी सारी RTI किया है, हमारे एक ग्रुप है वो काफ़ी सारी RTI किया। RTI की तरफ से हमको पता चला पिछले 7 साल में
एक भी स्कूल, एक भी अस्पताल और एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, एक भी फ्लाईओवर दिल्ली में नहीं बना है। तो कौन सा दिल्ली मॉडल की आप केजरीवाल जी बात कर रहे हो, हमको समझ नहीं आ रही। गुजरात में ऑलरेडी इतना सारा काम हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, जनता देख रही है। इतनी सारी सुविधाएं सरकार मुफ्त के नाम पे नहीं लेकिन वो सेवा के नाम से कर रही है और सामान्य लोग के लिए कर रही है, तो वही आएगी ऑब्वियस है, कोई इसमें दिक्कत नहीं दिख रही। भाई सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, ये दिल्ली हमारे सूरज जैसा है, ये दिल्ली उसके संभलता नहीं है और ये गुजरात संभलने आया है। इनके संभलने वाला है गुजरात? गुजरात संभलेगा नहीं, नहीं संभलेगा, दिल्ली इतना है छोटा, दिल्ली संभलता नहीं है और बोलता है मैं गुजरात को ये दे दूंगा ये दे दूंगा ये दे दूंगा, सब नटवरलाल के वादे झूठे। अच्छा ये विकास की बात कर रहे हैं लेकिन केजरीवाल कहते हैं दिल्ली को हमने लंदन जैसा बना दिया, लंदन से कंपेयर कर, वो झूठा है, कोई मानता नहीं है। कोई मान वो मैंने पकड़ा, सुनिए 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 सुनिए, वो हिमाचल से हिमाचल में लड़ने गया था तो वहाँ से क्यों भागा? भागा कि नहीं वहाँ? वहाँ बस उसको पता चल गया कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। कुछ होने वाला नहीं है। गुजरात में भी ऐसा ही सीन होगा क्या? हाँ ऐसा ही सीन होगा, खाता नहीं खुलेगा, खाता भी नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, देखना डिपॉजिट जाएगा, देखना। जी जी, अभी रिसेंटली आम आदमी की सरकार पंजाब में बनी जी, कोई देवी देवता का फोटो किसी ने डाला और विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता अनशन पर बैठे और वहाँ पुलिस के सामने उसको गोली से मार दिया गया। क्या ये दिल्ली मॉडल है? ये दिल्ली मॉडल की आप बात कर रहे हैं? ऐसा दिल्ली मॉडल हमको गुजरात में नहीं चाहिए। 27 साल से भाजपा की सरकार है, हम अच्छे से शांति से समृद्धि से यहाँ जी रहे, हमको यही गुजरात मॉडल चाहिए और गुजरात मॉडल को पूरे विश्व को अपनाना पड़ेगा। दिल्ली मॉडल कहीं चलेगा नहीं, दिल्ली मॉडल है ही नहीं। मीडिया और सोशल मीडिया में बातें करने से सरकार नहीं बनती है भाई साहब, सरकार नहीं बनती। अच्छा एक बात और कहते हैं केजरीवाल जी कि नोटों पे लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति होनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए, क्या क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो बोलते हैं कि होनी चाहिए। पहले आप एक काम करिए, आप वहाँ जो दिल्ली में है, दिल्ली में आप वक्फ बोर्ड को पैसा दे रहे हैं वो बंद कर दीजिए। आप पहले पुजारियों को पैसा देना चालू करिए, बाद में आप भारत की राजनीति करिए। आपको यहाँ दिल्ली में कुछ करना नहीं है हिंदुत्व के बारे में और पूरे गुजरात में पूरे भारत में घूम रहे और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो सरासर गलत है। आपको अगर करना है तो वक्फ बोर्ड में जो आपको पैसा दे रहे हैं 62 करोड़ रुपया पर एनम जो आप दे रहे हैं वक्फ बोर्ड को बंद कर दीजिए और हिंदुत्व की बात कीजिए। फिर एक साइड से आप देवी देवता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, दूसरी साइड में पिछले 5 साल पहले का वीडियो पुराना देखा, उसने बोला कि राम मंदिर के लिए राम मंदिर से अच्छा है कि अस्पताल बननी चाहिए। अब तो दिल्ली में ना तो अस्पताल है ना तो राम मंदिर है, सिर्फ झूठ की राजनीति केजरीवाल जी चलाते हैं, वो गुजरात में चलने वाली नहीं है। हम पब्लिक है। अच्छा राम मंदिर की बात कर रहे हैं कि उन्होंने विरोध किया था लेकिन अभी गुजरात में आकर वो कह रहे हैं कि हम हर गुजरातवासी को रामलला के दर्शन के लिए लेके जाएंगे। एकदम गलत बात है। उसको अगर राजनीति कर रहे हैं, वोट की राजनीति तो है ही है। अगर इसको हिंदू से इतना ही प्रेम है तो दिल्ली में इतने सारे हिंदू है वहाँ पे उसको यात्रा करवानी चाहिए। यहाँ आके आप वायदे क्यों बांटते हो? आप दिल्ली में पहले इम्प्लीमेंटेशन करो, फिर यहाँ पे गुजरात की जनता को आप वायदे में फंसाने के काम करो। जी भाई साहब, क्या नाम है? नकुल भाई पटेल। जो राम मंदिर की बात की थी दर्शन करवाने के लिए, तो क्या ख्याल है, दर्शन चाहते हैं करना? मेरी बात सुनो, मिस्टर नटवरलाल है ना, हवा हवा ही बात करते हैं, वो जो भी बोलते हैं उसमें से 90% गलत होता है। वो क्या है, बोल बच्चन वाली राजनीति है, बरोबर कुछ काम नहीं किया। जैसे स्कूल वहाँ के है, वहाँ के स्कूल में 85% स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है, हर तीसरा बच्चा फेल होता है और टॉयलेट को क्लासरूम बोलता है। ये तो कौन कर सकता है? केजरीवाल ही कर सकता है भाई, ये मोदी नहीं कर सकता है। और हम गुजरात वाले इसको हजम नहीं कर पाते। हम गुजरात वाले जो मेहनत की खाते है, सच्चाई है, जो वर्क होता है, जमीनी वर्क होता है, उस पर एतबार करते हैं। हवा हवाई की बात में आते नहीं है हम। एक बात पर, अच्छा गोपाल इटालिया जो अध्यक्ष बनाए हुए आम आदमी पार्टी का, उनके बारे में क्या ख्याल? गोपाल इटालिया साइको है। कभी बोलता है कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, कभी खुद मंदिर जाता है, कभी बोलता है कि डॉक्टर आम पब्लिक का शोषण करते, कथाकार शोषण करते। और अभी 2 दिन पहले स्वामीनारायण मंदिर में जाके स्वामी लगा के मैं हार रहा हूँ। वहाँ स्वामीनारायण संप्रदाय के संत है, उसका वहाँ प्रभुत्व है, तो वहाँ जाके 2 घंटे रोया और बोला मेरे को मेरी दिक्कत हो गई, मेरे से गलती हो गई। तो चुनाव के टाइम पे रोना आया, गलती समझ आई, पूरे 2 साल तक नहीं आई।
ये सब झूठ मूठ की राजनीति है और नेता बन के पब्लिक को गुमराह करके अपनी कारकिर्दी कैसे बनाए। ऐसा आदमी है जो केजरीवाल के साथ मिलके जिसको कोई 5,000 रुपये गोपाल को नहीं दे रहा था, वो प्रचार का जो पैसा मिला उससे भाड़े पे रह रहा था, उसका बंगला बना लिया यहाँ पे, उसने उसका काम किया है, वो केजरीवाल को लूट रहा है और केजरीवाल गुजरात को लूटना चाहता है। ये गोपाल उसको लूट लेगा और हम केजरीवाल को लूट लेंगे, गुजरात केजरीवाल को लूट लेंगे। आप कैसे लूट लेंगे सर केजरीवाल? ऐसी ना, उसने 500 करोड़ तकरीबन 2 साल में यहाँ खर्च की है, बरोबर है। ये गोपाल जैसे 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 जो भी इंडिया तोड़ो सबान आसमी क्या नाम है उसका, वो लीडर है, फ्रंट पेज पे बैठता है, उसके साथ उसका फोटो था, तो केजरीवाल ने बोला इंडिया तोड़ो वाला ही चाहिए उसको, कन्हैयालाल ही चाहिए उसको, अच्छा आदमी चाहिए ही नहीं, खालिस्तान वाला चाहिए। क्योंकि कुमार विश्वास ने क्या बोला था, जाहिर मन से एक बार केजरीवाल बोल दे कि मैं खालिस्तान समर्थक नहीं हूँ, मैं आलोचना करता हूँ तो मैं गुलाम रहूंगा। और मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास लंगोटिया यार है पूरी दुनिया को मालूम है। और वो जो शिक्षा की बात करते हैं, मनीष सिसोदिया बाहर पढ़ा हुआ है, विधानसभा में 1,00,000 करोड़ 78,000 10 बार बोल नहीं पाया, विधानसभा में क्लिप है मेरे पास, बरोबर है। और यहाँ बोलते हैं कि ये है वो है, मतलब जोर से बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, और प्रजा को गुमराह करके पैसा डाल के मीडिया कवरेज करके मीडिया में कुछ पैसे पेड मीडिया का यूज करके वातावरण बनाओ और उसका लाभ लो। बस यही काम है राजनीति का। अच्छा, मनीष सिसोदिया का आप जिक्र कर रहे थे, तमाम आरोप उन पर लगे हुए हैं, कहते हैं कि वो बेकसूर है, उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, केजरीवाल ऐसा कहते हैं। जो मेरी बात, केजरीवाल है ना हमेशा, केजरीलाल यानी उर्फ नटवर लाल हमेशा कुछ ना कुछ अपने नेताओं के बारे में ऐसा ही कहता है। और सब है ना ईडी के चक्कर काटते, सत्येंद्र जैन जेल में है, इसके ऊपर भी 2-4 नोटिस आ गई है, जैसे ही गुजरात का चुनाव खत्म होगा तो मनीष सिसोदिया भी जेल में ही जाएगा, क्योंकि जो दारू का कॉम्बाट है, जो शराब का कॉम्बाट है, वो इतने स्तर पे किया है ना कि इसका आंकड़ा निकालना मुश्किल है। हर एक किलोमीटर में 1-2 शॉप खोल दी है, लोग पीते हुए लुटके हुए नजर आते हैं, वो पीता हुआ आदमी क्या विकास करेगा? विकास देखना है तो गुजरात में आओ, ब्रिज सिटी में आओ, डायमंड सिटी में आओ, यहाँ से निकलेगो पानी का ग्लास लेकर निकलेगो तो पूरे 5 किलोमीटर से बूंद बाहर नहीं आएगी, इसको विकास बोलते हैं। उसको पूछो गुजराती सिखाएंगे विकास किसको कहते हैं। हमको दिल्ली में जो दुनिया का सबसे पॉल्यूशन सिटी है उससे विकास नहीं लेना है, हमको उस सिटी से विकास नहीं लेना है जहां लड़की 12 से 2 बजे तक पूरी दिल्ली का चक्कर लगाए ना तो 10 बार रेप हो जाए, यहां पूरी रात कहीं भी घूमे कोई उसको छूने वाला नहीं है, ऐसा सुरक्षित सूरत सिटी है, वहां राजनीति करके इसका इरादा ये है कि यहां भूल से जो 1-2 सीट आ जाए तो ममता, अखिलेश यादव, शरद पवार, नीतीश कुमार इस सबसे मिलके 2024 का जो चुनाव है उसमें ये दिखाना चाहता है कि मोदी का गुजरात मॉडल फेल है और दिल्ली का मॉडल बरोबर है, लेकिन ये इसमें फायदा करने वाला नहीं है, उसका 500 कर घाटे में जाने वाला है। उसने गोपाल को लूट लिया है, बरोबर हम केजरीवाल को लूट लेंगे कोई बात नहीं। हाँ ठीक है सर, आपने 2024 का भी जिक्र किया और तमाम विपक्षी नेताओं के भी नाम ले गए रहे, ये जो तमाम विपक्षी नेता हैं एकजुट होने की बात करते हैं 2024 में, तो क्या लगता है अगर एकजुट होते हैं टक्कर देंगे ये मोदी को? मेरी बात सुनो, जब सी चलता है ना मेरी बात, कुत्ते भौंकते ही रहते हैं, भौंकते रहेंगे, जैसे 10 साल भौंके अगले 5 साल भौंकेंगे, और अगली बार दिल्ली भी उसके हाथ से जाने वाला है, दिल्ली भी जाने, उसकी तैयारी रूपने उसने खालिस्तानी लोगों से हाथ मिला के देश को कैसे बांटा जाए, इसलिए सत्ता हाथ से ना जाए, इसलिए देश विरोधी ताकतों से मिलके वहां सत्ता बनाई है।